मैंने कल अपने पड़ोस के एक फोर्थ क्लास के बच्चे को कहते सुना कि स्कूल से इतना बड़ा चार्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स का भेज दिया है लर्न करने को। कैसे करूँ मैं और क्यों करूँ मैं, ज़रूरत क्या है इनकी? तो मुझे लगा इस बच्चे की तरह मेरे किसी और दोस्त को भी ये यूज़लेस और टफ लग सकते हैं, तो इसलिए सोचा आज का ये वीडियो बनाने का। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शेड्यूल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आज हम ट्राई करेंगे इसको इजीएस्ट वे में समझने की। वर्ब्स तो पता ही होंगे, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, काम करने वाले वर्ड्स, क्रिया, कुछ भी कह सकते हो। हम एक्शन में हमेशा रहते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। हंसना, खेलना, खाना पीना, रोना, इवन सोना भी एक एक्शन है, यानी वर्ब है। और ये एक्शंस यानी वर्ब्स हमारी बातचीत में भी नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा चुका हूँ। या मैं गाता हूँ, मैंने गाया था, या मैं गा चुका हूँ। अब तीनों सेंटेंसेस में खाता, खाया और खा चुका अलग अलग इसलिए बोला क्योंकि इन तीनों का अलग अलग मतलब है। इसी तरह से इंग्लिश में भी बातचीत करते हुए बात के अकॉर्डिंग वर्ब के रूप यानी वर्ब की फॉर्म को बदल दिया जाता है ताकि हमारी बात का मतलब सही तरीके से एक्सप्रेस हो सके, सही तरीके से समझ आ सके। वर्ब के इन्हीं अलग अलग रूपों को, इन्हीं अलग अलग फॉर्म्स को फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब कहा जाता है। तो अब आप ये देखो कि ये लिखी कैसे होती हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, तीन अलग अलग कॉलम्स के अंडर तीन अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं। तो अब हमने जो ऊपर एग्जांपल्स लिए थे वही एग्जांपल्स हम यहाँ ले लेते हैं। ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग। यहाँ पर ईट, एट, ईटन या सिंग, सैंग, संग एक ही वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेस फॉर्म। किसी भी वर्ड को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है डिक्शनरी में तो उसे वर्ब की इसी फॉर्म से ढूंढा जाता है। ये तो एक एडिशनल जानकारी थी। इसी फॉर्म को किसी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे प्लीज़ सिंग, ये थी रिक्वेस्ट। डोंट ईट इन द क्लास, ये ऑर्डर था। यू शुड नॉट ईट इन द क्लास, ये इंस्ट्रक्शन है। तो अब आपने देखा इन तीनों में ही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि ये हमें इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करती हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सेकेंड फॉर्म कभी भी डिड के साथ यूज़ नहीं होगी क्योंकि डिड अपने आप में ही एक सेकेंड फॉर्म है डू की। डू, डिड, डन। तो एक ही सेंटेंस में हम दो सेकेंड फॉर्म्स यूज़ नहीं करेंगे। तो जहाँ भी डिड का यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। सुनने या पढ़ने वाले को डिड के इस्तेमाल से ही पता चल जाएगा कि ये जो बात की जा रही है ये पास्ट फॉर्म में की जा रही है। अब चलते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ एक्शन ख़त्म हो गया है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था ना कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैं गाना गा चुका हूँ, यहाँ पर एक्शन ख़त्म हो चुका है। वर्ब की इस फॉर्म को हम बी, बीन या बीइंग के साथ यूज़ करके अलग अलग मतलब से सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सॉन्ग विल बी संग। यहाँ बी के यूज़ के साथ इसका मतलब ये हो गया कि गाना गाया जाएगा। या एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, आई हैव संग अ सॉन्ग। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वर्ब्स की इन तीन फॉर्म्स के अलावा फर्स्ट फॉर्म में से दो और फॉर्म्स निकालते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन लगता है, जैसे ही, शी, इट, दैट, दिस, सीता, गीता, राम, श्याम, एट्सेट्रा, तो हम वर्ब के पीछे एस
या ES लगा देते हैं। तो वर्ब की इस फॉर्म को हम लोग S या ES फॉर्म कह सकते हैं। और अगर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ दें तो हम इसे ING फॉर्म कह सकते हैं। ING फॉर्म का मतलब होता है कि एक्शन अभी भी वर्किंग प्रोसेस में है, मतलब एक्शन अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सिंगिंग, वो गा रहा है। ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। तो अब ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको टेंसेस सीखने में हेल्प करेंगी, क्योंकि जब भी आपको कोई टेंसेस पढ़ाएगा तो वो बोलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यहाँ सेकंड फॉर्म लगाओ, यहाँ एस ई एस लगाओ, तो वहाँ पे आपको इनकी बहुत हेल्प होगी। लेकिन अभी हम लोग टेंसेस नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब करेंगे। अब आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था। 1200 साल पहले 177 इररेगुलर वर्ब्स बनी थी, जिनमें से मिडल इंग्लिश एज तक 145 ही रह गई, और आज की डेट में सिर्फ 98 ही एग्जिस्ट करती हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इररेगुलर वर्ब्स होती क्या हैं, और ये हेल्प करेंगी आपको इनको लर्न करने में। जैसे एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। तो अब आप लोग देखो, ये जो वर्ड है डिसाइड, इसकी पिछली दोनों फॉर्म्स में उनके पीछे सिर्फ ईडी लगा हुआ है, और सिर्फ ईडी लगाने से ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगाने से फॉर्म्स चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ऐड, एडेड, एडेड, बॉयल, बॉयल्ड, बॉयल्ड। तो ऐसी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को हम लोग बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स। तो ये तो याद करनी बहुत आसान है ना। अब आते हैं इरेगुलर वर्ब्स पे। जैसे हमने ऊपर वर्ड किया ना, ईट, एट, ईटन, या फिर सिंग, सैंग, संग। अब यहाँ देखो, एट या संग दोनों पहले वर्ड से बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स बन गए हैं, बिल्कुल अलग वर्ड्स निकल के आए हैं। ये हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि शुरुआत में 177 थे, अब तो सिर्फ 98 ही रह गए हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 96-97% सिर्फ रेगुलर वर्ब्स हैं और सिर्फ 3-4% ही इरेगुलर वर्ब्स रह गए हैं। तो हो गया ना ये चार्ट याद करना आसान। और कुछ तो इतने इजी हैं उनमें से कि वो बदलते ही नहीं हैं, वो तो हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए। कट, 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 पुट, 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 है ना कितने आसान। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आए और आप रूटीन में इन्हें यूज़ भी कर पाओ। हम लेंगे बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, SES फॉर्म और ING फॉर्म। इन सब में वर्ब्स कैसे यूज़ होती हैं और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं।